हाय गाइस, आज बात करेंगे हम KTM RCE के बारे में, मतलब KTM RC इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। बाइक का डिज़ाइन बहुत ही शानदार है, उस वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी करना। इन फ्यूचर ट्रेडिशनल बाइकों की मार्केटिंग बंद हो जाएगी और मार्केट में ओनली बैटरी वाली बाइकों का कब्जा रहेगा। यह डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट 2005 में आया था, जो कि है KTM RC 8 के ऊपर, जो कि आज भी बहुत ही फेमस और लोकप्रिय गाड़ी है। हालांकि IIT बॉम्बे के मोबिलिटी और व्हीकल डिज़ाइनिंग के मास्टर छात्र हैं, उन्होंने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक KTM RCE मोटरसाइकिल की कल्पना की है, जो कि दिलचस्प है। और इससे हमें यह विचार मिलता है कि आखिर KTM की नई बाइक कैसी हो सकती है। उनका मानना है कि उन्होंने जिस कॉन्सेप्ट डिज़ाइन को तैयार किया है वह भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल बाइक हो सकती है। डिज़ाइन करते समय मुख्य ध्यान प्रदर्शन, डिजाइन की शुद्धता और साथ ही भारतीय बाजार के लिए अनुभव पर था। खास बातें KTM RCE को बेस्ट EV बाइक्स का दर्जा देती है, आक्रामक है और काफ़ी एरोडायनामिक है। फिलहाल में KTM कंपनी के पास कोई मास प्रोडक्शन मार्केट नहीं है जिसमें वो बाइक को लॉन्च कर सके, और अभी कोई प्लान भी नहीं है और KTM कंपनी की तरफ से कोई अपडेट भी नहीं आया है कि गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी। पर इलेक्ट्रॉनिक बाइक की बढ़ती मांग को देखते हुए भविष्य में इन फ्यूचर बाइक आ सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ, शेयर करो, कमेंट करो, फैला दो वीडियो को।